सादिया शेख, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डाइस पर तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। रिस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय सेल्फ सादिया शेख फ्रॉम अल मारिफ इंग्लिश स्कूल ग्रेड 4। द टॉपिक ऑफ माई टॉक इज इस्लाम द वे टू सेल्वेशन। इस्लाम कम फ्रॉम द रूट वर्ड सलाम विच मीन पीस, एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल ऑल माइटी गॉड अल्लाह से इन सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19। इन दीन द लॉहिल इस्लाम विच मीन्स most certainly the religion, the way of life acceptable to go to Almighty in Islam. Another place in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 85. Allah say, if anyone choose a religion another than the religion, the way of life acceptable to go to Almighty in Islam. Another place in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19. Allah say, if anyone choose a religion another than the religion, then he will be among the losers and the year after. The Quran is the most positive book in the world. Glorious Quran is the solution to the problem of humanity and woman. For example, who create me? Who created the vast universe? What is the purpose of my creation? The Quran has the simplest, no comprehensive answer to this basic question. It is mentioned in Glorious Quran, which comes in Surah Ad-Dariyat, chapter number 51, verse number 56. Have I created not the jinn? The man who accepts the worship, me the only one, create the worship Allah alone without any partner. I would like to end up my speech with small conclusion to the audience. To read, understand, implement a proper gate, the teaching of glorious Quran is the solution problem. Jazakallahu khair for listening my speech with great patience. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alameen. बहुत ही बेहतरीन सवाल जो हमारी बहन ने उठाया है कि हमको जानना चाहिए हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। अगर हम यही नहीं जान सके और यहाँ से चले गए तो ये बहुत ही बदनसीबी की बात हमारे लिए होगी। ये समझने की बात है कि हमें छोटे बच्चे की बात हमें कहाँ तक समझ आई है, ताकि अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज करें और अपने बच्चों को बताएँ जाकर कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। आइए स्पीच के ताल्लुक से अपने पहले जज शाह फहद सनाबिली से जानते हैं इस स्पीच के बारे में। सादिया शेख, राइट? तो आज आपकी स्पीच कैसी रही ये बताना। अच्छा, आपको क्या लगता कैसी थी आपकी स्पीच? माशाल्लाह बहुत अच्छी। दोबारा आपको मौका मिले तो इससे अच्छा कर सकते? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और कंटेंट जो आपका था बहुत अच्छा था, लेकिन कंटेंट को डिलीवर करने का जो अंदाज़ जो तरीका होना चाहिए उस पर थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करें इंशाल्लाह, मेहनत करते रहेंगे, हौसला रखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी सिस्टर ने कहा कि कुरान से पूछिए। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने खुद बताया, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमें चाहिए जब हम इस चीज़ को जानते हैं तो फिर हम भी अल्लाह को याद करें और उसकी इबादत करें। शुक्रिया बहन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।